हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुमिपा किचन। मैं शिल्पा सुमिपा किचन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं रवा डोसा बनाऊंगी। रवे डोसे की रेसिपी बहुत ही इजी है और टेस्टी है। तो आइए, रवे डोसा बनाने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता है मैं आपको बताती हूँ। 2 कटोरी रवा लिया है, 1 कटोरी चावल का आटा, 4 टी स्पून मैदा, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी में मैंने कटा हुआ हरा धनिया और 3-4 मीठे नीम के पत्ते लिए हैं, 2 चुटकी हींग लिए, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून दही, 1 टीस्पून जीरा और 1 बारीक कटी हुई प्याज। तो आइए डोसे का बैटर बनाना अपन स्टार्ट करते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बड़ा सा कटोरा ले लीजिएगा। उसमें मैं रवा डालती हूँ, चावल का आटा, मैदा डालती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, दही डाल देती हूँ, मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं सारे मसाले डाल देती हूँ, हींग, कटा हुआ हरा धनिया और मीठे नीम के पत्ते, जीरा, नमक स्वाद अनुसार, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक पतला घोल तैयार करूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिएगा, एकदम से मत डालिएगा। इसमें मैं अभी थोड़ा और पानी डालूंगी। मैंने एक पतला घोल बना लिया है, ये देखिए। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, जिससे हमारा बैटर अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, रवा अच्छे से फूल गया है। हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, हम इसमें और थोड़ा पानी मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आइए हम डोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने नॉनस्टिक तवा रख दिया है, हमारा तवा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और टिश्यू पेपर से पूरे में अच्छे से ऑयल को लगा देती हूँ। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखिएगा, तेज मत रखिएगा। अब मैं डोसे का घोल डालूंगी, पतला पतला घोल डालिएगा। अब इसको 2 मिनट तक पकने देते हैं। गैस का फ्लेम हमारे तवे पर पूरी साइड से अच्छे से नहीं लग पाती है, तो हम तवे को घुमाते हुए इसको अच्छे से सेकेंगे, इससे चारों साइड से अच्छे से सिक जाए हमारा डोसा। ये देखिए, डोसा हमारा चारों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके चारों साइड से ऑयल डाल देती हूँ, तवे को घुमाते हुए ऑयल को चारों साइड फैला देती हूँ। अब मैं इसको चारों साइड से पलटे से आराम से निकालूंगी और इसको धीरे से पलट दूंगी। ये देखिए, हमारा डोसा कितना अच्छे से निकल रहा है। ये देखिए, हमारा डोसा अच्छे से निकल गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी है, तो इसका आराम से इसको निकालिएगा, नहीं तो ये डोसा हमारा टूट जाएगा। आप जितना पतला घोल डालेंगे डोसा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। इसी तरीके से मैं दूसरा डोसा डाल देती हूँ। पहले ऑयल डाल देती हूँ तवे पर, टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से पूरे में फैला देती हूँ। अब इसमें पतला घोल डाल देती हूँ। अब इसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे डोसे बना लेंगे। ये देखिए, हमारे क्रिस्पी रवे डोसा तैयार है।
आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और सुमीपा किचन के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।